everyone. I hope you all are doing well. We are going to discuss the Insight IAS Daily Current Affair of 26th of December 2020. The topic that we are going to cover today, from GS Paper 2, there are 4 news. From GS Paper 3, वहाँ पे एक news है, and for the prelim section, there are 3 news. So let's start. And regarding Vision IAS का जो monthly compilation है, ठीक है, विजन है इसका जो हमारा मंथली कंपाइलेशन है, उसके कुछ वीडियोस अपलोड हो गए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो. मोस्ट प्रोबेबली आज जो है सोशल इश्यूज़ या इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी या सोशल इश्यूज़ में से कुछ पार्ट डिस्कस हो जाएगा. एंड इन दिस वे हमारा मैक्सिमम जो पोर्शन है विजन आई एस का नवंबर का कंपाइलेशन, ओके, तो वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है. सो प्लीज़ डू स्टे अपडेट एंड लेट्स स्टार्ट. GS2 पेपर से सबसे पहला न्यूज़ है, the news is related to the governor not sending bill for the presidential assent. तो recently क्या हुआ है, context देखा जाए तो जो राजस्थान के chief minister है, that is अशोक गहलोत, ठीक है, has said that जो amendment bill pass किया गया है in the state assembly last month, तो वो जो bill है, ठीक है, वो counter करता है जो central के अभी recently farm bill के जो protest चल रहे हैं, ठीक है, obviously farm bill के against में चल रहे हैं, तो उसको counter करने वाला एक जो bill है, amendment bill pass किया गया था state के assembly ने last month में, और उसको counter करने वाला ये bill, counter करने वाला bill होने के कारण जो है उन्होंने ऐसे बोला है, ठीक है, दैट इज़ राजस्थान की चीफ मिनिस्टर ने ऐसे बोला है, एज द गवर्नमेंट जो है वो सेंड ही कर रहे दिस बिल, not sending them for the presidential assent, ठीक है, तो governor was not sending them for a presidential assent, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है. so union government जो होता है was not willingly to accept the bill where in the public interest he said, ठीक है, तो ऐसा उनके तरफ से जो है की गई ये बातें, ठीक है. अब ये एक हो गया overall context की क्या है इस news का. अब हम देखते हैं, ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, वो है अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नर के पास पावर होती है कि वो रिजर्व बिल कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट. सो यस, जो 200, ठीक है, आर्टिकल नंबर 200 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डील करता है विद द पावर ऑफ अ गवर्नर विद रिगार्ड टू द असेंट ऑफ द बिल जो पास किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड अदर पावर्स जो होते हैं गवर्नर के पास, सच एज रिजर्विंग ऑफ अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ठीक है. तो ये सारा जो है मैटर रिलेटेड टू द गवर्नर, तो वो सारा मैंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 200 में, ठीक है. और इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी जो बिल होता है वो पास किया जाता है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर एंड फर्दर गवर्नर के पास चार ऑप्शन होते हैं, ठीक है. जब भी कोई भी बिल जो होता है गवर्नर के पास जाता है स्टेट असेंबली का, तो गवर्नर के पास चार ऑप्शन होते हैं कि वो उस बिल पे असेंट दे दे, ठीक है, अदरवाइज उस बिल पे उनके जो असेंट है उसको विथहोल्ड करें, मतलब कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखें. उसके साथ साथ वो उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं कि वो फर्दर जो है प्रेसिडेंट के पास कंसीडर करने के लिए दे, या ही कैन रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर अ रिकंसिडरेशन, ठीक है, रिकंसिडर करने के लिए बिल को जो है वो लेजिस्लेचर को वापस कर सकता है. इस तरीके से चार पावर होते हैं गवर्नर के पास जब उनके पास कोई भी जो बिल होता है जाता है तब, ठीक है. तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स. अब हम देखते हैं ऑप्शंस बिफोर द प्रेसिडेंट, ठीक है. अभी ऑप्शंस क्या होते हैं प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है. व्हेन द बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है तब, प्रेसिडेंट शाल आइदर दैट ही कैन असेंट टू द बिल और विथहोल्ड द असेंट, ओके. तो वो असेंट भी दे सकते हैं बिल पे, या दे कैन ऑल्सो विथहोल्ड द असेंट, जो भी बिल गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के पास देता है उस टाइम पे, ठीक है. एंड यहाँ पे और एक कुछ फैक्टर्स मेंशन है कि जब भी कोई बिल जो होता है इट इज़ नॉट अ मनी बिल, ठीक है, जो भी बिल मनी बिल नहीं होता है उस टाइम पे प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस एज द केस मे बी, और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर जो होता है ऑफ द स्टेट टुगेदर विच विल विथ सच अ मैसेज एज इट इज मेंशन इन द प्रोविजन फर्स्ट ऑफ द आर्टिकल 200, ठीक है. मतलब वही रिकंसिडरेशन को, मतलब वापस जो है, ठीक है, गवर्नर सॉरी जो बिल होता है इफ़ इट इज़ नॉट अ मनी बिल देन प्रेसिडेंट के पास पावर होती है दैट दे कैन डायरेक्ट टू द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस, ठीक है. तो ये एक हो गया पहला प्रोविजन. अब हम देखते हैं नेक्स्ट,
जब भी बिल इज रिटर्न, ठीक है, जब कोई बिल रिटर्न किया जाता है हाउस के पास, ठीक है, स्टेट असेंबली के पास, देन इट शाल बी रिकन्सिडर इन अकॉर्डिंग विद इन द पीरियड ऑफ अ 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ के पीरियड में उसको रिकन्सिडर करना पड़ता है, एंड फ्रॉम द डे ऑफ अ रिसिप्ट ऑफ सच अ मैसेज एंड इफ इट इज पास अगेन बाय द हाउस, ठीक है, विथ अमेंडमेंट हो या विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है। अभी देखो प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, गवर्नर ने पहले स्टेट असेंबली ने, ठीक है, गवर्नर के पास बिल दिया और गवर्नर ने सपोज वो बिल प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए दिया, ठीक है, जैसे गवर्नर के पास 4 पावर होती है, होल्ड कर सकता है बिल, सेकंड असेंट दे सकता है, ठीक है, या गवर्नर जो है हाउस को वापस कर सकता है या प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए दे सकता है। जब गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए देता है तब प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकते हैं, अब इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल देन गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप जो बिल है हाउस को वापस करिए, ठीक है। तो बाद में जब हाउस के पास बिल आता है, ठीक है, तो उनके पास 6 मंथ का टाइम होता है, ठीक है, उनके पास 6 मंथ का टाइम होता है कि वो जो है बिल पे असेंट दे, ठीक है। तो बाद में अगर हाउस ने, ठीक है, उस बिल पे विथ अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट, ओके, विदाउट अमेंडमेंट अगर बिल को वापस कर दिया, ठीक है, तब इट शाल बी प्रेजेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन एंड इट इज नॉट मेंशन, उसके बाद भी ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है उस बिल पे असेंट दे ही, ठीक है। तो ये एक हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर कि किस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के बिल अगर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं तो क्या प्रोसीजर होती है, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेंशन है, ठीक है, इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट टू गिव अ असेंट ऑन सच अ बिल और अ नॉट, ठीक है। तो ये एक हो गया ओवरऑल आइडिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, J&K इंटरनेट बैन एक्सटेंडेड। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है बैन ऑफ 4G इंटरनेट, ठीक है, 4G इंटरनेट सर्विसेज का जो बैन है, ठीक है, मोबाइल इंटरनेट, उसको एक्सटेंड कर दिया है टू January 8। और उन्होंने ऐसा बोला है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन द हाई स्पीड कनेक्टिविटी एक्टेड एज अ इम्पीडेंट टू द अटेम टू ऑफ द मिलिटेंट टू डिस्टर्ब द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पोल्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पोल पे जो डिस्टर्बेंस ना लाए मिलिटेंट्स, तो इसके वजह से जो है उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लाए ऑन द हाई स्पीड कनेक्टिविटी दैट इज 4G मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है। तो ये उन्होंने जो है गवर्नमेंट, सॉरी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ J&K, उन्होंने अपनी उनकी साइड जो है बताई है। अब नीड क्या थी यहाँ पे, नीड फॉर एंड ऑर्डर इशू कर दिया गया था बाय द जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने, नोटेड दैट देयर वेयर credible input about the presence of a large number of a militant trying to infiltrate from the across the border, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा militants है जो दे आर ट्राइंग टू infiltrate द across the border and this was one of the point, ठीक है, कि क्यों उन्होंने जो है इस बार जो इंटरनेट 4G नेटवर्क का जो बैन है, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 2020 में उन्होंने क्या दी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑन May 11 उन्होंने रिफ्यूज़ किया था कि वो रिस्टोर करेंगे 4G इंटरनेट सर्विसेज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट बाद में कोर्ट ने क्या किया, बट द कोर्ट हैज़ ऑर्डर द सेंटर एंड द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कि वो एक जो है कमिटी ऑफ अ सेक्रेटरेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन वो फॉर्म करे एंड टू टेक अ कॉल आफ्टर रिसीविंग अ ग्राउंड सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है, आप रिव्यू करते रहे, ठीक है, जो भी ग्राउंड सिक्योरिटी इश्यूज है एंड जो हाई पावर कमिटी रहेंगी वो जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के सेक्रेटरी है उनसे हेड की जाएंगी एंड विथ ऑल्सो लुक अपॉन द कंटेंशन रेस बाय द वेरियस पिटिशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली काफ़ी पिटिशन्स आएंगे इफ द इंटरनेट सर्विसेज इज नॉट बी रिस्टोर, तो उस सारे पे जो ध्यान है जो हाई पावर कमेटी रहेगी वही देखेंगी। इस तरीके की एक जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दी थी। अब इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड एंड रैशनल बिहाइंड दिस वर्डिक, अभी उनका रैशनल क्या है इस वर्डिक के बिहाइंड, तो उन्होंने सबसे पहले इस तरीके से उनका पॉइंट रखा है कि इट इज़ देर इज़ अ नीड कि वो इंश्योर करे एक नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट आर बैलेंस, ओके, इन J&K, ठीक है। हम जैसे जानते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है, काफ़ी ज़्यादा एक वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, ठीक है, एंड दस फॉर इंश्योरिंग द प्रॉपर सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट टू इंश्योर द बैलेंस बिटवीन देम, दिस वॉज वन ऑफ द रैशनल वाई द वर्डिक हैज़ बीन गिवन इन सच अ वे। एंड सेकेंड वन इज दैट जो बेंच है ऑल्सो रेफर टू द अर्लियर डिसीजन जो अनुरुद्ध
बसीन केस 2020, ठीक है, वेर इन द ऑर्डर रिव्यू किया गया था ऑन द रेस्ट्रिक्शन प्लेस इन जे एंड के एंड इन द वेक ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो दिस आर द टू पॉइंट और द टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड एंड रैशनल बिहाइंड दिस वर्डिक्ट. रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड और व्हाट वाज द इशू, तो अगस्त 2019, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था सारे जितने भी मोड्स थे ऑफ अ कम्युनिकेशन जस्ट आफ्टर द रिवोक ऑफ अ जे आर के स्पेशल स्टेटस जो गारंट किया गया था अंडर द, ठीक है, आर्टिकल नंबर 370. एंड इवेंचुअली जो सर्विस थी, ठीक है, पार्शली वे आर पार्शली रिस्टोर विद द इंटरनेट स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो 2G स्पीड उनको उस टाइम पे प्रोवाइड की गई थी. एंड जो पील थी वॉज फाइल्ड बाय द फाउंडेशन ऑफ अ मीडिया प्रोफेशनल फॉर रिस्टोर ऑफ अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्यूरिंग द कोविड 19 पीरियड. बट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपोज किया फॉर रिस्टोरिंग द रिस्टोरिंग द 4G नेटवर्क सर्विसेज. एंड उन्होंने उसका जस्टिफाइड ऐसे किया कि इट इज़ अ मूव फॉर प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. ठीक है, सो दिस इज एन ओवरऑल बैकग्राउंड कि क्यों इंटरनेट सर्विसेज कब बंद हो गई थी एंड वॉट वेयर द अदर इम्प्लीकेशन हैपन जस्ट आफ्टर बैनिंग द इंटरनेट सर्विसेज. वॉट आर द क्रिटिसिजम अगेंस्ट द इंटरनेट शटडाउन. सो फर्स्ट क्रिटिसिजम ऐसा है कि रेस्ट्रिक्शन हैज बीन वर्चुअली एब्रोगेटेड द फंडामेंटल राइट और पैरालाइज करते हैं द लाइव्स ऑफ अ 7 मिलियन पीपल जो उस रीजन में रहते हैं. और इंटरनेट शटडाउन सर्विसेज के वजह से देर हैव बीन अ सेवरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द बिजनेसेस ट्रेड एंड हेविली इफेक्ट करता है उनके कॉमन लाइफ ऑफ द पीपल. सो दिस आर द मेन टू क्रिटिसिजम ऑफ द इंटरनेट शटडाउन. अब हम देखते हैं व्हाट प्रोसीजर डज द गवर्नमेंट फॉलो टू सस्पेंड द इंटरनेट सर्विसेज. ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज जो गवर्नमेंट सस्पेंड करती है उस किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, तो वो किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये सब कुछ करती है. जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, दैट इज आईटी एक्ट 2000, नेक्स्ट CRPC दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एंड टेलीग्राफ एक्ट 1885. ठीक है, ये तीन जो लॉज है वो डील करते हैं विद द सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज. बट बिफोर 2017 क्या था, इंटरनेट सस्पेंशन का जो ऑर्डर था वो इनिशियली इशू किया जा रहा था बाय सेक्शन 144 ऑफ अ CRPC. बट बाद में क्या हुआ इन 2017, ओके 2017, ठीक है, ये वाला जो था इंटरनेट सस्पेंशन 2017 के पहले वाला था, ठीक है, जो इशू किया जा रहा था CRPC के अकॉर्डिंग, दैट इज सेक्शन 144. बाद में इन 2017 सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ अ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी ऑफ और अ पब्लिक सर्विस रूल अंडर द टेलीग्राफ एक्ट टू बी यूज फॉर सस्पेंशन ऑफ द इंटरनेट. एंड इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, द डाइवर्स देयर पावर फ्रॉम द सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ इंडिया टेलीग्राफ एक्ट विच टॉक्स अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेजेस इन द इंटरेस्ट ऑफ अ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया. ठीक है, तो ये एक ओवरऑल पॉइंट हो गए कि किस तरीके से इंडिया में जो है गवर्नमेंट किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग इंडिया में सस्पेंड करती है इंटरनेट सर्विसेज. ठीक है, आई होप आपको ये न्यूज़ पूरी कंप्लीट समझ में आ गई होगी. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. आयुष्मान भारत PM जे सेहत. ठीक है, तो जो PM मोदी हैं उन्होंने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज़ PMJ सेहत स्कीम फॉर द रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट के लिए PMJ जो स्कीम है, ठीक है, सेहत स्कीम उन्होंने लॉन्च की है. इस स्कीम के बारे में अगर देखा जाए सेहत, ठीक है, ये स्कीम इट स्टैंड फॉर द सोशल एंडोर्स फॉर द हेल्थ एंड टेली मेडिसिन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK. ये स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर करती है ऑल द रेसिडेंट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इट प्रोवाइड फाइनेंशियल कवर जो है 5 लाख रुपीज़ जो होती है पर फैमिली ऑन द फ्लोटरी बेसिस फॉर ऑल द रेसिडेंट हु आर रेसाइडिंग इन JNK. एंड इट प्रोवाइड फॉर द ऑपरेशनल एक्सटेंड ऑफ अ PMJ. ठीक है, PMJ का भी एक्सटेंड है, दैट इज अप टू 15 लाख फॉर द एडिशनल फैमिलीज. ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया सेहत स्कीम के बारे में जो JNK में इम्प्लीमेंट होने वाली है. अभी रिसेंटली PM मोदी ने जो है उसको अनाउंस किया है. अब हम देखते हैं PMJ क्या है, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो PMJ वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और अश्योरेंस स्कीम है. ठीक है, जो मेनली फाइनेंस की जाती है बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, इसके अंडर में क्या होता है, प्रोवाइड किए जाते हैं 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर फॉर अ सेकेंडरी एंड अ टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन बोथ, दैट इज पब्लिक एंड अ प्राइवेट इम्प्लांट हॉस्पिटल्स में. ठीक है, ये जो बेनिफिट होता है 5 लाख रुपीज़ का
इज ऑन द फैमिली फ्लोटर बेसिस विच मीन्स दैट इट इज यूज बाय वन ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स. ठीक है, अब क्या है इसमें और एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, ये कवर करती है, ठीक है, दैट इज पीएमजे स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है, ये जो स्कीम है कवर करती है मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है, ये बाकी जो प्रोसेसेस है उन सबको कवर करती है, एंड अप टू द 3 days ऑफ अ प्री हॉस्पिटलाइजेशन. ठीक है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन के 3 days से पहले एंड 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जितना भी लगता है राइट फ्रॉम द डायग्नोस्टिक टू द मेडिसिन, वो सारा जो है स्कीम के अंडर आता है. ठीक है, सो दस वी कैन से दैट इतने सारे जो है उसके बेनिफिट्स है, इतने सारा जो है उसका कवर है. And thus we can say the PMJ is the world's largest health insurance or the assurance scheme. अब हम पढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ. What is the OPEC plus? तो recently क्या हुआ है, Russia accept to support a increase oil production by the OPEC plus. ठीक है, OPEC plus I will just explain. पहले हम context देख लेते हैं. ठीक है, तो रशिया ने क्या किया है, रशिया ने एक्सेप्ट किया है कि वो सपोर्ट करेंगे एंड इंक्रीज इन द ऑयल प्रोडक्शन बाय द ओपेक प्लस कंट्रीज ऑफ अनादर 5 lakh barrel पर डे फ्रॉम फेब्रुवरी एट द नेक्स्ट मंथ सबमिट ऑफ अ लीडिंग ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर. ठीक है, अभी बैकग्राउंड देखा जाए तो रशिया जो है अदर लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जिसको हम ओपेक प्लस बोलते हैं. ठीक है, उन्होंने एग्री किया है टू रिड्यूस करेंगे आउटपुट टू सपोर्ट द ग्लोबल ऑयल मार्केट एज द पैंडेमिक के वजह से फ्यूल की जो डिमांड है वो वीकन हो गई है. एंड सिंस जो ये जो एग्रीमेंट है ऑन द रिकॉर्ड ग्लोबल सप्लाई कट इन अप्रैल, तो ओपेक प्लस उन्होंने जो है प्रोग्रेसिवली रिड्यूस किया है द कट एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड इन जनवरी. ठीक है, दे विल रिलीज द एक्स्ट्रा 5 lakh जो बैरल पर डे इन द मार्केट. ठीक है, तो ऐसा इट इज़ एक्सेप्टेड कि वो जनवरी से इसको रिलीज़ करें. ठीक है, तो ये एक ओवरऑल बैकग्राउंड हो गया. अब हम देखते हैं ओपेक प्लस क्या है. तो ओपेक का पहले फुल फॉर्म बता देती हूँ, ओपेक दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है, तो ओपेक जो है रेफर करता है, ओपेक प्लस रेफर करता है अलायंस ऑफ अ क्रूड प्रोड्यूसर अंडरटेकिंग द करेक्शन इन द सप्लाई ऑफ ऑयल मार्केट सिंस 2017. ओपेक प्लस कंट्रीज कौन से हैं, अजरबैजान, बहरेन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमन, रशिया, साउथ सुदेन एंड सुदेन. ठीक है, तो दिस आर द ओपेक प्लस कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दैट इज ओपेक. अब हम बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ. ये न्यूज़ है GS3 पेपर से, टीसो कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इंडिया जो है नाउ हैज़ द 42 रामसर साइट्स. ठीक है, 42 वाली रामसर साइट है विथ एडिशन टू द लद्दाख टीसो कर वेटलैंड. ठीक है, अब ये टीसो कर क्या है, तो टीसो कर एक बेसिन है. ठीक है, जो हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, कंसिस्ट करती है दो प्रिंसिपल वाटर बॉडीज, दैट इज स्टार्ट सपुक टीसो, अ फ्रेश वाटर लेक एंड अ टीसो कर. ठीक है, इस सेल दिट इज अ हाइपर सलाइन लेक. ठीक है, इन दोनों को वो कंसिस्ट करती है, वो सिचुएटेड है इन चांगथांग रीजन ऑफ अ लद्दाख. ठीक है, इस रीजन में वो है. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ टीसो कर मीन्स अ वाइट लेक बिकॉज अ वाइट सॉल्ट जो है वहां पे इफ्लोरेसेंस फाउंड ऑन द मार्जिन ड्यू टू द इवोपरेशन ऑफ अ हाईली सलाइन वाटर. ठीक है, जैसे मैंने बोला ये टीकोसर जो है, टीसोकर जो है वो हाइपर सलाइन लेक है एंड दस जो वाइट सॉल्ट जो यहाँ पे ऊपर आती है, ठीक है, दस उसका इवोपरेशन के वजह से जो है उसको वाइट लेक भी कहा जाता है. ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया. ठीक है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है एज पर द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड अज अ की साइट है इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज. ठीक है, सो ये एक आइडिया हो गया रिलेटेड टू द टीकोसर. ठीक है, तो दिस विल इंडिया इज नाउ हैविंग द 42 रामसर साइट में ऐड हो जाएगा विद एडिशन टीकोसर का जो वेटलैंड है. ठीक है, लद्दाख में. अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज जो वहाँ पे मेनली मिलते हैं. तो सबसे पहला है कि दैट इज़ अ ब्लैक नेक क्रेन, ग्रेट स्लीटेड गेबर, ठीक है, बार हेडेड गीस, रूडिश शेल्डक, ब्राउन हेडेड गल्फ,
एंड लेजर सैंड प्लोवर एंड मेनी अदर स्पीशीज, सम दिस आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पीशीज जो वहाँ पे उस एरिया में मिलते हैं. अब हमने मैंने जैसे बोला कि 42 रामसर साइट, सो व्हाट डू यू मीन बाय द रामसर साइट और द रामसर कन्वेंशन. तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है या इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड द वाइज यूज ऑफ अ वेटलैंड्स, ठीक है. इट इज़ अ नेम आफ्टर द इराकियन सिटी ऑफ रामसर ऑन द कैस्पियन सी. जब वो ट्रीटी साइन की गई थी वहाँ पे 2 फरवरी 1971 को. ऑफिशियली इसको कन्वेंशन ऑन अ वेटलैंड ऑफ अ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एस्पेशली द वाटर फ्लो हैबिटेड ऐसा भी बोला जाता है. और इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो से द कन्वेंशन ऑन अ वेटलैंड एंड इट केम इन टू द फोर्स इन 1975, ठीक है. तो ये एक आइडिया हो गया रिगार्डिंग द रामसर कन्वेंशन. अब यहाँ पे है मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड्स के बारे में. तो मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड क्या है, अंडर द कंजर्वेशन is a register of a wetland site, ठीक है. यहाँ पर register किए जाते हैं wetland site on the list of a wetland of international importance where changes जो है in the ecological character has occurred or occurring or likely to occur, ठीक है, as a result technological development, pollution और द अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है. तो इनके वजह से जो हो रहे हैं, तो जो भी रिकॉर्डेड वेटलैंड्स है, ठीक है, उनकी जो लिस्ट है यहाँ पे मेंशन होती है. एंड ये मेंटेन करता है पार्ट ऑफ अ रामसर साइट. और इसलिए मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड जो है इस्टेब्लिश करते हैं बाय द रिकमेंडेशन ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1990 में, ठीक है. यहाँ पे जितने भी साइट्स है मे बी एडेड टू और रिमूव फ्रॉम द रिकॉर्ड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी विच इज लाइंग इट इट, ओके. एंड करेंटली देखा जाए इंडिया के दो वेटलैंड जो है इस रिकॉर्ड्स में मेंशन है, एक राजस्थान से है और एक मणिपुर से. तो जो राजस्थान से वेटलैंड है उसका नाम है, ठीक है, राजस्थान वाला कौला देव नेशनल पार्क एंड लोथक लेक ऑफ अ मणिपुर, ठीक है. तो दिस इज ऑफ अ राजस्थान एंड दिस इज ऑफ अ मणिपुर, ठीक है. ये दो है. उसके साथ साथ जो चिलिका लेक इन ओडिशा था, ठीक है, वॉज द फर्स्ट जिसको रिकॉर्ड किया गया था, बट इट हैज़ बीन रिव्यूड फ्रॉम इट, ठीक है. तो ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया हमारी इस न्यूज़ के बारे में. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, फैक्ट फॉर द फिल्म्स. तो त्रिपुरा गवर्नमेंट्स न्यू स्कीम टू ऑफर अ जॉब टू द नेक्स्ट ऑफ अ कीन ऑफ those who lost in the political violence. तो अंदर इस न्यू स्कीम में कैबिनेट जो है स्टेट कैबिनेट उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट जॉब टू द नेक्स्ट ऑफ अ कीन ऑफ दोज जिसने उनकी जो लॉस देयर लाइफ इन द पोलिटिकल वायलेंस टिल मार्च 2018, ठीक है. अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट जॉब विल बी प्रोवाइडेड टू एनी वन ऑफ द मेंबर्स, ठीक है. मतलब इन 2018 से जितने भी पॉलिटिकल वायलेंस है उनके वजह से जितने भी लोगों ने उनके, ठीक है, दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है. अंडर दिस अभी ये न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, टू द एनी वन मेंबर ऑफ अ सच फैमिली एंड अगर उसने जितने भी रेसिक्यूट कैटेगरीज है उसको मीट करता हो तब, ठीक है. अब नेक्स्ट है BBX11 जेनस. तो इट इज़ अ जेनस जो फैसिलिटेट करता है अ ग्रीनिंग ऑफ अ प्लांट बाय प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन अ रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ अ फ्रोटोक्लोरोफ्लाइडीन, ठीक है. एक ये जो है एक इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिन बोलते हैं. और इसको आइडेंटिफाई किया गया है रिसेंटली बाय द रिसर्चर ऑफ अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अ साइंस एजुकेशन एंड द रिसर्च, ठीक है. महाराष्ट्र टू सेटअप द इंटरनेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी. तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक ड्राफ्ट बिल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ इंटरनेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, ठीक है. ये सेटअप की जाएंगी पुणे में, ठीक है. ये जो यूनिवर्सिटी है वो ऑफर करेंगी डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज जहाँ पे फिजिकल एज वेल एज अ स्पोर्ट एजुकेशन, स्पोर्ट साइंस, स्पोर्ट मेडिसिन, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट गवर्नेंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट मीडिया एंड कम्युनिकेशन, स्पोर्ट कोचिंग ट्रेनिंग, ये सारा जो है कवर किया जाएगा, ठीक है. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अ इंटरनेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी. सो इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज न्यूज सेक्शन. हैव अ नाइस डे. प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.